CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है ये श्रृंखला गुंचाए शायरी। इस श्रृंखला के अंतर्गत आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम मीर तकी मीर। मीर तकी मीर 1722 ईस्वी से 1810 ईस्वी तक। मीर तकी मीर आगरे में पैदा हुए। मीर की नौउम्री में उनके वालिद का इंतकाल हो गया, फिर मीर दिल्ली आ गए और यहाँ तवील अरसे तक रहे। यहाँ खान आरजू की सोहबतों ने उनके ज़ौक़े शेर और इल्म को तरक्की दी और बहुत जल्द वो दिल्ली के नुमाया शोरा में गिने जाने लगे। 1782 ईस्वी के करीब वो लखनऊ आए। नवाब आसिफुद्दौला ने उनको हाथों हाथ लिया। उनके जमाने से लेकर आज तक तमाम शोरा और नाकिदीन ने उनकी शायराना अजमत का एतराफ किया है। उन्हें खुदाए सुखन कहा जाता है और आम तौर पर लोग उन्हें उर्दू का सबसे बड़ा शायर करार देते हैं। अश्क आँखों में कब नहीं आता, अश्क आँखों में कब नहीं आता, लोहू आता है जब नहीं आता, अश्क आँखों में कब नहीं। गौर करने की बात, मीर की शायरी फिक्र, असलूब और फन के लिहाज से मुनफरिद दर्जा रखती है। मीर अपने अशार में सहल और सादा जबान इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे अल्फाज उनकी शायरी में आ जाते हैं जो अब मतरूक हैं। मीर के कलाम में बयान की सादगी के बावजूद सोजो गुदास और असर आफरीनी है। मीर की बड़ाई इसमें है कि उन्होंने जिंदगी के दूसरे पहलुओं को भी अपनी शायरी में उतनी ही खूबी से जगा दी है जिस खूबी से वो रंजो गम की बात करते हैं। मीर ने हर सिन्फ़े सुखन में तबा आजमाई की है, लेकिन उनका असल मैदान गजल और मसनवी है। उर्दू में उनका जखीम कुल्लियात शाया हो चुका है। मीर अपनी शायरी में लफ्जों को नए नए रंग से इस्तेमाल करते हैं और अपने कलाम में नए नए मानी पैदा करते हैं। उनकी शायरी बज़ाहिर सादा है, लेकिन इसमें फिक्र की गहराई है। उनके शेर दिल को छूते हैं। ओ शेजाता नहीं रहा। ये गजल छोटी बहर में है और मीर की सादगी बयान का बेहतरीन नमूना है। ये सहले मुमतना है और सहले मुमतना इस कलाम को कहते हैं जो बज़ाहिर बहुत आसान मालूम हो, लेकिन जब उसका जवाब यानी इसकी तरह का कलाम लिखने बैठें तो जवाब मुमकिन ना हो सके। गजल शायर मीर तकी मीर। अश्क आंखों में कब नहीं आता, अश्क आंखों में कब नहीं आता, लोहू आता है जब नहीं आता, होश जाता नहीं रहा लेकिन, होश जाता नहीं रहा लेकिन, जब वो आता है तब नहीं आता, जब वो आता है तब नहीं आता। सब्र था एक मोनी से हिजरा,
सब्र था एक मोनि से हिजरा, सो वो मुद्दत से अब नहीं आता, सो वो मुद्दत से अब नहीं आता। दिल से रुखसत हुई कोई ख्वाहिश, दिल से रुखसत हुई कोई ख्वाहिश, गर ये कुछ बेसबब नहीं आता। जी में क्या क्या है अपने ए हमदम, जी में क्या क्या है अपने ए हमदम, पर सुखनता बेलब नहीं आता, पर सुखनता बेलब नहीं आता। दूर बैठा गुबारे मीर इससे, दूर बैठा गुबारे मीर इससे, इश्क बिन ये अदब नहीं आता, इश्क बिन ये अदब नहीं आता। अश्क आंखों में कब नहीं आता, लोहू आता है जब नहीं आता। अश्क आंखों में कब नहीं आता, अश्क आंखों में। लफ्जो मानी, अश्क आंसू, वो यहां बमानी महबूब, लोहू लहू यानी खून, मोनिस दोस्त दिल को तसल्ली देने वाला, हिजरा जुदाई, गिरिया आंसू, हमदम साथी, सुखन बात, गुबारे मीर मीर की खाक यानी मरकर खाक हो जाने के बाद मीर का जिस्म गुबार बनकर हवा में उड़ रहा है। अमली काम, उस्ताद की मदद से गजल को सही तलफ्फुज और मुनासिब अदायगी से पढ़िए। सवालों के जवाब लिखिए। सवाल नंबर एक, शायर ने गिरिया आने का क्या सबब बताया है। सवाल नंबर दो, अश्क आंखों में कब नहीं आता, लोहू आता है जब नहीं आता, इस शेर में शायर क्या कहना चाहता है। अश्क आंखों में कब नहीं आता, लोहू आता है जब नहीं आता, अश्क आंखों में। मीर तकी मीर, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कलाकार परवेज गौहर और शमाइला परवेज, संगीतकार हरभजन सिंह, गायन स्वर मेघा, ध्वनियांकन बटी लैंगलिंगडो और शानू मुक्सीम, निर्माण सहयोग तनु गुप्ता, निर्माण निर्देशन तथा ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।